नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आप देख रहे हैं नारा टीवी की खास पेशकश भूले बिसरे लोग। इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर जी द्वारा निर्मित रामायण में अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले कुछ प्रमुख कलाकारों के बारे में। आप सबके द्वारा मिले हुए प्यार को देखते हुए हम इस श्रृंखला को अभी जारी रख रहे हैं। अगर आप आगे ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपना सपोर्ट दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा पूरा देखें, स्किप ना करें। भूले बिसरे लोग के पिछले एपिसोड अगर आप अभी तक नहीं देख पाए हैं तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है नारद टीवी भूले बिसरे लोग और प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे पिछले एपिसोड देख पाएंगे। नारद टीवी के कम्युनिटी टैब में हुए पोलिंग के आधार पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी जी की कहानी। लेकिन इससे पहले एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे। हमारे बहुत से दर्शकों का रिक्वेस्ट मिल रहा है कि हम रामायण में सुग्रीव, बाली, जामुन आदि का किरदार निभाने वाले कलाकारों के बारे में बताएं। अपने पिछले एपिसोड में हमने आपसे वादा भी किया था कि हम अगले एपिसोड में इसकी जानकारी आपको देंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि हर तरह की तफ्तीश के बाद भी हमें ज़्यादा कुछ जानकारी उनके बारे में हासिल नहीं हो पाई। फिर भी हमारी कोशिश लगातार जारी है। आप लोगों में से यदि किसी को उनके बारे में कुछ भी जानकारी हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर। तो आइए जानते हैं लक्ष्मण का किरदार निभाकर दर्शकों के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ने वाले सुनील लहरी जी के बारे में। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मत भैया को रुलारे बोल कछु बोल भैया भैया कह के भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल। आज का दौर ऐसा चल रहा है कि एक कलाकार टीवी की दुनिया पर नाम कमाने के बाद बड़े पर्दे पर जाकर छा जाता है, लेकिन एक दौर वो भी रहा कि जब कुछ कलाकार छोटे पर्दे पर काम करके लोगों के दिलों में भगवान की तरह बस गए, परंतु अपना इनका खुद का व्यक्तित्व गुमनामी के पन्नों में छिप कर रह गया। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है। हमने तो बचपन में कई धनुइयां तोड़ डाली, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया था। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा, हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है। कुछ ऐसी ही कहानी है सुनील लहरी जी की। आज भी इन्हें अधिकतर लोग लक्ष्मण के नाम से ही जानते हैं। नहीं भैया, यह अत्याचार है, यह अन्याय है। लक्ष्मण भैया, मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण भैया भैया कह के भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। सुनील जी का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ था। इनके पिताजी डॉक्टर थे और एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर अध्यापन का कार्य कर रहे थे। फिल्मों का शौक बचपन से ही रहा और ये अक्सर फिल्मी दुनिया में जाने की इच्छा जताया करते थे। पिताजी ने भी ज़्यादा रोक टोक नहीं की और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सुनील जी पहुँच गए माया नगरी मुंबई में। ये चौकरी है फूलों की टोकरी, देखो ये चौकरी फूलों की टोकरी, दिल दे के मना लो अखियों पे बिठा लो, दिल दे के मना लो अखियों पे बिठा लो, देखो ये चौकरी नखरों की टोकरी। बड़े पर्दे पर इन्हें पहली बार मौका मिला 1980 में मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म द नक्सलाइट में। उसके बाद ये 5 साल तक पर्दे से गायब हो गए। 1985 में फिर उनकी वापसी हुई जयप्रकाश विनायक की फिल्म फिर आई बरसात से।
जिसमें इन्होंने बतौर हीरो काम किया। तेरी आंखें हैं मंजिल, मेरे सपने मुसाफिर, इनको मिलना है एक दिन, मिल ही जाएंगे आखिर, इनको मिलना है एक दिन, मिल ही जाएंगे आखिर। ये फिल्म ज्यादा कुछ कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन इसके गाने अपने दौर में जबरदस्त हिट रहे। इसके बाद सुनील जी आगे छोटे पर्दे पर और कई टीवी सीरियल्स में काम किया। ये किसका स्वर है? मैं बोल रहा हूँ कल्प वृक्ष, जिसकी तुम इतनी दिनों से सेवा कर रहे हो। तुम कल्प वृक्ष हो? हाँ जी मूतवाहन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। 1988 में इन्होंने चेतन आनंद द्वारा निर्देशित टीवी सीरियल परमवीर चक्र में सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबार रानी का किरदार निभाया। देखो परमवीर चक्र एक पल में, एक सेकंड में आदमी कुछ कर जाता है, लेकिन एक सेकंड की बात नहीं होती, उस सेकंड तक पहुंचने के लिए पूरे दस्ते का, मतलब पूरी बटालियन का हाथ होता है। उस लड़ाई से पहले हम कई कारनामे कर चुके होते हैं, जिसमें इनके अभिनय की काफी तारीफ की गई। 1988 में इन्होंने दूरदर्शन पर प्रेम सागर के टीवी सीरियल विक्रम और बेताल में कई अलग अलग भूमिकाएं निभाई। 1988 में इन्हें मौका मिला रामानंद सागर के रामायण में लक्ष्मण के किरदार को करने का। देवर जी, जी, इस बेचारे से बात तक नहीं की, आप उसे चरण भी छूने नहीं देते। भाभी क्या? भाभी क्या, रोने पर बंधन लगा कर गए थे, 14 साल से उसने आंसू आंखों में बांध कर रखे हुए हैं। लक्ष्मण का किरदार पहले ऑफर किया गया था दिवंगत अभिनेता संजय जोग जी को, लेकिन उन्होंने ये किरदार करने से मना कर दिया और संजय जी को किरदार मिला भरत का। अमन सागर जी ने करीब 150 कलाकारों का ऑडिशन लिया और उनमें से चुने गए सुनील लहरी जी। ये एक संयोग ही था कि रामायण के हर कलाकार अपने किरदार में एकदम सटीक बैठते हैं। 1991 में ये नजर आई फिल्म बहारों की मंजिल में, क्योंकि दर्शकों के मन मस्तिष्क में ये भगवान की तरह बस गए थे और शायद यही वजह रही कि दर्शक इन्हें पर्दे पर अन्य किसी रूप में स्वीकार नहीं कर पाए, और यही हाल रामायण में काम करने वाले लगभग हर कलाकारों का हुआ। 90 के दशक में इन फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो चुका था। फिर इन्होंने अरुण गोविल जी के साथ मिलकर अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, जिसमें ये रीजनल फिल्में बनाने लगे। 2017 में ये नजर आए थे एक हिंदी मूवी ए डॉटर्स टेल पंख में। वो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वर्तमान समय में ये अपनी पत्नी भारती पाठक के साथ मुंबई में रहते हैं और अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम इस वीडियो पे एम करते हैं 50,000 व्यूज के लिए। 50,000 व्यूज होने के बाद हम अगला एपिसोड आप तक पहुंचाएंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं भूले बिसरे लोग के अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।